आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल न्यू रेसिपी ऑफ क्रीमी मशरूम। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाह रही हूँ। बात यह है कि मेरे को लग रहा है कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, और मैं बताऊँ अगर मैं मेहनत इतना ज़्यादा करती हूँ ना तो ऑफकोर्स आउटपुट चाहता है, हर कोई चाहता है, इनफैक्ट मैं नहीं, हर कोई चाहता है। तो अगर मेरे वीडियो में कहीं कमी है या फिर मेरे को कुछ चेंजेस लाना चाहिए तो आप मेरे को सजेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं चीज़ें डेवलप करने का कोशिश करूँगी और अच्छा करने का कोशिश करूँगी। सो अगर आपको मेरी रेसिपी या वीडियो कोई भी पसंद आती है तो हो सकता है तो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, नोन में, हो सकता है कि उनको भी पसंद आ जाए। सो चैनल तो इसी तरह से ग्रो होता है ना, अगर आप सपोर्ट करोगे तभी चैनल ग्रो होगा, बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं होगा। सो आज का रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल न्यू है, क्रीमी मशरूम की रेसिपी, बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और डिलीशियस भी ऑफ कोर्स। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये मैंने लिया है मशरूम। मशरूम को सबसे पहले वॉश कर लेना है अच्छे से, ताकि प्रिजर्वेटिव जो भी है वो हट जाए। तो सबसे सिंपल यही तरीका है वॉश करने का मशरूम का। आप गुनगुना पानी ले लें और गुनगुना पानी में इस तरह से थोड़ा सा आपको रगड़ लेना है हाथों से, और उसके बाद इस तरह से वॉश कर लेना है। और ये कम से कम आपको दो बार करना है, दो बार में बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगा। सेकेंड टाइम मैं एक साथ ही सारा डाल दी हूँ और एक बार ही निकाल लेंगे। और फिर हमें मशरूम को इस तरह से कट कर लेना है। और मैंने लिया है प्याज चॉप किया हुआ, बहुत छोटे पीसेस में कर लेना है, जितना इनफैक्ट चॉपर में चला लेने से बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है। लहसुन और हरी मिर्च और कुछ भी नहीं, ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, ऑलिव ऑयल की जगह पे आप बटर भी ऐड कर सकते हो। तो लहसुन को ऐड कर लेना है, थोड़ा सा तड़का लगाना है। और मशरूम को ऐड कर लेना है साथ में। ऊपर से थोड़ा सा बटर ऐड कर लेंगे। आप चाहो तो पूरा मशरूम आप बटर में भी बना सकते हो, अदरवाइज ऑयल और बटर दोनों ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों का यूज़ किया है। और ये मशरूम का देखोगे धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। जब 50% चेंज हो जाएगा ना कलर मशरूम का, तो हम ऐड करेंगे प्याज। ढक के बिल्कुल नहीं पकाना है। ये देखिए प्याज पूरा पक गया है, कलर चेंज हो गया है, तो हम सिर्फ पानी ऐड करेंगे। बॉईल आने के बाद हल्का सा नमक स्प्रेड कर देंगे, मतलब जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ही। और फिर काली मिर्च डालना है। फिर हम ऐड करेंगे ऑरिगैनो, थोड़ा सा पास्ता मिक्स, अराउंड हाफ हाफ चम्मच ऐड करना है, और मिक्स हर्ब, ये तीनों ऐड करने हैं। फिर हम इसको पका लेंगे। ये देखिए बॉईल आ गया है, मतलब अच्छे से बॉईल हो चुका है। फिर लास्ट में जब अच्छे से पक जाएगा मशरूम, तो हम लास्ट में ऐड करेंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम। फिर इसको भी फ्रेश क्रीम के साथ फिर मशरूम को अच्छे से पकाना है, हार्डली 5 मिनट तक पकाना है, और फ्लेम को रखना है बिल्कुल लो। और ये देखिए थिक होना शुरू हो गया,
से हम ऐड कर सकते हैं चीज़, बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ चीज़ क्योंकि मैं मोटी हो रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये अपना क्रीमी मशरूम रेडी है। होप आपको ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगा होगा। ऑफ कोर्स जब आप इसको ट्राई करोगे ना तो और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। आप मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जरूर फॉलो कर लें, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अभी के लिए बाय बाय।